श्रीयुत राष्ट्रपति जी, हिंदकुश निवारण संघ की दिल्ली शाखा का ये शिष्टमंडल आपके सम्मुख प्रस्तुत है जी। हिंदकुश निवारण संघ नेशनल लेवल पर एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लगभग सन 1951 से देश के अंदर किस प्रकार से लेप्रोसी का उन्मूलन हो इस दिशा में कार्य कर रही है जी। भारत के विभिन्न राज्यों में, लगभग प्रत्येक राज्य में इसकी शाखाएँ हैं, जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हिंदकुश निवारण संघ है। राष्ट्रपति महोदय स्वयं उसके संरक्षक रहते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उसके प्रेसिडेंट रहते हैं जी। जितनी भी शाखाएं हैं प्रदेशों के अंदर, वहाँ वहाँ के गवर्नर या वहाँ वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस शाखा के संरक्षक रहते हैं और वहाँ वहाँ के समाज कल्याण मंत्री अथवा शिक्षा मंत्री अथवा स्वास्थ्य मंत्री उसके पदेन प्रेसिडेंट होते हैं जी। आज का ये शिष्टमंडल दिल्ली प्रदेश की जो हिंदकुश निवारण संघ है शाखा, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है जी। इस शिष्टमंडल में प्रत्येक क्षेत्र के सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सरकारी सेवा के, सामाजिक सेवा के कार्य करने वाले प्रतिष्ठित सज्जन हैं, व्यापारी हैं। इन सब का ध्येय ये है कि हम कुछ समाज सेवा भी करें जी। इस दिशा से 1961 में इस दिल्ली ब्रांच की स्थापना हुई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह, उस समय के बहुत जाने माने जो समाज सेवी थे, उन्होंने बॉम्बे बेगर्स एक्ट, जो 1959 में दिल्ली में लागू हुआ था, उसके समर्थन में लगभग 400 कुष्ठ रोगी परिवार यमुना पुस्ता के ऊपर जो रहते थे, हनुमान मंदिर जहाँ पर है इस समय, वहाँ से उनको विस्थापित करके ताहिरपुर में आनंद ग्राम के अंदर उनको शेल्टर दिया गया जी। ये बहुत समस्या ऐसी भारतवर्ष के अंदर थी, भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी। इजिप्ट में 1400 ईसा पूर्व इस रोग के चिन्ह प्राप्त हुए थे और लगभग उसी समय के हमारे जो भारत के वैदिक ग्रंथ हैं, सुश्रुत संहिता इत्यादि जो हमारी ज्ञान की पुस्तकें हैं, औषधीय चिकित्सा क्षेत्र की पुस्तकें हैं, उनमें कुष्ठ रोग का वर्णन मिलता है जी। ये समझा जाता था कि दैवी प्रकोप से या अपने निजी पापों के कारण हम इस रोग के शिकार होते हैं और ऐसे रोगी को बहुत उपेक्षा की दृष्टि से रखा जाता था जी। घरों में स्थान नहीं दिया जाता था, पेड़ों के नीचे, गांवों से बाहर कहीं भी उनको टिका दिया जाता था और बड़ा उपेक्षित जीवन वो बिताते थे जी। लेकिन डॉक्टर युद्धवीर सिंह के प्रयासों से भारत के अंदर, यहाँ दिल्ली की प्रदेश की इस शाखा का जब 1961 में निर्माण हुआ, तब से ही कुष्ठ रोग के निरंतर उन्मूलन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हम यहाँ पर लगभग 9 स्थानों के ऊपर आश्रम स्थापित करके इस रोग का निदान कर रहे हैं जी। एकता विहार कुष्ठ आश्रम ताहिरपुर, सर्वोदय कुष्ठ आश्रम, गांधी कुष्ठ आश्रम, शांति कुष्ठ आश्रम, कस्तूरबा ग्राम कुष्ठ आश्रम, ये सब ताहिरपुर में स्थित हैं जी। लेप्रोसी फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी, नवज्योति लेप्रोसी एसोसिएशन पीरागढ़ी, लोकमाता कुष्ठ आश्रम पटेल नगर और कैनॉट प्लेस डाकखाने के पास में, इन सब जगह पर मल्हम पट्टी इत्यादि की व्यवस्था की जाती है और इनके रहने के लिए पक्के शेल्टर्स बनाए हुए हैं जी। दिल्ली के अंदर स्थिति ये है इस समय कि प्रत्येक 10,000 व्यक्तियों के पीछे केवल 0.68 इस रोग के रोगी रह गए हैं जी। लेकिन ये रोग जो मुक्त भारत होता जा रहा है, विशेष रूप से दिल्ली प्रांत हमारा रोग मुक्त होता जा रहा है, रोग मुक्त करके ही हमें अपने कार्यों को विराम नहीं देना जी। इनका जब तक हम पुनर्स्थापन नहीं करेंगे, समाज की मुख्य धारा से जब तक हम इन रोगियों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा जी। आज का ये जो दिन है, एंटी लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वयं रोगियों के प्रति बहुत अधिक करुणा भाव रखते थे जी। संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं आचार्य परचुरे शास्त्री जी, दुर्भाग्यवश वो भी इस रोग से ग्रस्त हो गए थे। महात्मा गांधी जी स्वयं अपने हाथों से उनके घावों को धोते थे, मल्हम पट्टी करते थे, इतनी रुचि और इतना करुणा से विगलित उनका हृदय था। उनकी स्मृति में आज का ये 30 जनवरी का जो दिन है, उनके बलिदान दिवस के रूप में तो मनाया ही जाता है, लेकिन भारत के अंदर इसको हम एंटी लेप्रोसी डे के रूप में भी मनाते हैं जी।
जबकि सारे संसार के अंदर भी जनवरी का जो अंतिम संडे है, हर वर्ष जनवरी का जो अंतिम इतवार है, वो सारे भारत, सारे विदेशों के अंदर भी एंटी लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारतवर्ष में क्योंकि स्वयं महात्मा गांधी जी ने इस दिशा में अपनी करुणा का परिचय दिया था, तो उसी पद चिन्हों पर चलते हुए हम यहाँ पर अंतिम संडे को नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे रूप में मनाते हैं। श्रीयुत राष्ट्रपति जी, आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो केवल इस दृष्टि से कि आपका हमें वरदान मिले, हमारा आशीर्वाद मिले हमें कि हम जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए भी और एक इस रोग के निदान के लिए संकल्पशील हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप कुछ हमें दिशा दे सकें, इस भावना से आज का ये अवसर हमने आपके सम्मुख उपस्थित किया है जी। मैं केवल इस अवसर के ऊपर 4-5 पंक्तियाँ जो हमें संकल्पित करती हैं आज का कार्य करने के लिए, उनको कविता के रूप में पढ़ करके अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा जी। मन में दृढ़ संकल्प हमें सबको करना है, कैसे इनको सरकारी या निजी नौकरी दिलवा पाएं, कैसे हम इनकी आंखों में स्वाभिमान से जीने की लालसा जगाएं, इनके बालक भी अपने ही बालक जैसे, कैसे हम इनको समाज में जगह दिलाएं, इन्हें पढ़ाएं और सहज जीवन धारा में इन्हें मिलाएं। अब ने उपेक्षित या कि तिरस्कृत जीवन इनको विचलित कर दे, अब ने हाथ फैलाएं ये मोहताज किसी के, हमें नया नंदन कानन भू पर लाना है जिसमें समता सूचक नूतन फूल खिलेंगे, जिसमें ममता के सहस्रों स्रोत बहेंगे, जिसमें ये अभिशप्त कुष्ठ जन विचरण करके हर्षित होंगे, पुलकित होंगे, केवल रोग मुक्त करके इनको हम बैठ न जाएं, केवल रोग मुक्त करके हम इनको बैठ न जाएं, हम सबको समवेत प्रयास से पुनर्वास इनका करना है, इन्हें आर्थिक स्वावलंब की राह दिखानी, इन्हें समाज में मिलकर सबको अपनाना है, आओ हम संकल्प करें निज कर से सहला कर, इनको भय मुक्त करें हम, इनमें एक नई आशा की किरण जगाएं, मानव है ये हम भी मानव, इस समाज में इनके संग हम घुल मिल जाएं। मैं केवल इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो समाज का कार्य हम कर रहे हैं उसको इसी प्रकार से हम करते रहें, इसका आशीर्वाद हम राष्ट्रपति जी से चाहेंगे और अपने कार्यों के अंदर इसी प्रकार से संलग्न रहेंगे।